उत्तर प्रदेश के बरेली में केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि सरकार बनने के बाद इस बार गुंडई नहीं होगी। गुंडई किसने नहीं देखी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार में आएंगे तो बिजली फ्री देंगे। सपा सरकार में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने का काम होता था। 33 लाख मकान बनाकर बीजेपी सरकार ने दिए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2017 की तरह जीत होगी। अखिलेश के 99 अपराधियों के टिकट के सवाल पर कहा कि अखिलेश निराश हो गए हैं। जनता ने समाजवादी पार्टी की साइकिल पंक्चर कर दी है। गठबंधन जनता ने नकार दिया है। अखिलेश राहुल गांधी का इंटरनल रिश्ता है। मैं कह रहा हूँ, हम 5 साल से साथ हैं और साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। जो है ऐसी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनको सुनाई पड़ा है, या तो उनके कान में ज्यादा कुछ ऐसी चीज सुनाई पड़े। कोई और विपक्ष के पास मुद्दा विहीन विपक्ष है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो उनको जब इस प्रकार की बातें करते हैं कि केशव प्रसाद को सीएम बनाना चाहिए, केशव प्रसाद को यह करना, ये सब बयान देते हैं, तो मैं श्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ कि 2012 से 2017 तक जब उनकी पार्टी बहुमत में थी, तो क्या किसी पिछड़े वर्ग के किसी को भी उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था क्या? नहीं बनाया। देश प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के बहुत बड़े नेता के रूप में जिन्होंने सेवा दी, ऐसे बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी का निधन हो गया। श्री अखिलेश यादव जी बताएं कि उस बाबूजी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए। अभी हमारे एक पत्रकार सुधीर सैनी की सहारनपुर में हत्या कर दी गई पीट पीट करके। कल अखिलेश जी के गुंडों ने गाजियाबाद में पत्रकारों को पीटा और पीटा। तो यह सब जो घटनाएं हो रही, इसमें क्यों मौन साधते हैं? इस सवाल का उनको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए उनके पास ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है, ना अनुसूचित है। वो सब भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ हैं, भाजपा के साथ रहेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, सामाजिक समीकरण का गुलदस्ता भाजपा के पास, गुंडों, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों के समीकरण का गुलदस्ता अखिलेश यादव जी के पास। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।